नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भारू दीक्षित। शुरू करते हैं खबरों को रफ्तार के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी का विमान बिश्केक हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जून को एसपीसी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। समिट के दौरान पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। रात भर में चक्रवात वायु ने बदला रास्ता, समुद्र की तरफ किया रुख। अगले 24 से 48 घंटे तक चल सकती है तेज हवाएं। वायु तूफान को लेकर अहमदाबाद के एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि हम तूफान को लेकर पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं। आरसीएस की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। नैनीताल सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट रानीखेत पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रानीखेत उत्तराखंड पहुंचे अजय भट्ट। दौरान अजय भट्ट ने कहा कि देश की जनता ने पीएम मोदी पर विश्वास जताते हुए बड़ा दायित्व दिया है। साथ ही यह भी कहा कि जमरानी बांध और पंचेश्वर बांध का निर्माण प्राथमिकता रहेगी। त्रिवेंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल आयुष्मान को निजी अस्पताल और डॉक्टर ही पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। अब तक प्रदेश भर के 12 निजी चिकित्सालयों पर कार्रवाई की जा चुकी है। देहरादून पुलिस के अच्छे अधिकारियों ने शहर में नो पार्किंग जोन पर वाहन खड़े करने को लेकर कवायद शुरू कर दी है, जिसमें सबसे पहले पुलिस मुख्यालय पर ही नो पार्किंग जोन के बोर्ड लगाए गए। साथ ही नो पार्किंग जोन में खड़े पुलिसिया वाहनों को भी सीज किया गया। पुलिस के अधिकारियों का संदेश साफ है कि सबसे पहले ये प्रयोग पुलिस पर ही किया जाएगा। रामनगर लीची के लिए देश में ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है, लेकिन गर्मी के चलते लीची के उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा है। विदेशों में भी मशहूर है रामनगर की लीची। सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के अधिकारी संघ बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर उत्तराखंड सरकार फीस एक्ट लागू करेगी। स्कूल में जिस हिसाब से व्यवस्था होगी उसी हिसाब से स्कूल फीस ले सकेंगे। स्कूलों में व्यवस्था जांचने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सभी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिए। शुरू हुई तेज आंधी के साथ बारिश, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर तेज आंधी के चलते लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। नैनीताल शहर में सुबह अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज गड़गड़ाहट के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद शहर के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में नदी किनारे सुरक्षा दीवार का कार्य कर रहे चार मजदूर टापू में फंस गए। पुलिस को सूचना मिलते ही कीर्तिनगर और श्रीनगर पुलिस द्वारा ज्वाइंट रेस्क्यू किया गया। श्रीनगर में ये रेस्क्यू किया गया। गजरपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सा सोसाइटी ने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा कैंप लगाया, जहां आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर आशुतोष पंत ने बताया कि कैंप का मुख्य उद्देश्य जनता में आयुर्वेद की जानकारी देना और चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना है। मिशन मुक्ति के तहत पुलिस भिक्षा नहीं शिक्षा दो की थीम पर काम कर रही है। पुलिस ऐसे बच्चों पर फोकस कर रही है जो कूड़ा बनाने या अन्य बुरे कामों में संलिप्त। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सूरतगढ़ सहित कई नगर निकायों के वार्डों को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत सूरतगढ़ नगर पालिका के वार्डों का कुनवा 35 से बढ़कर 45 हो जाएगा। महुआ जिले के शिक्षण संस्थान और होटलों की पोल खोल रही है। सूरत में कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद हरकत में आई महुआ। अग्निशमन विभाग की टीम ने जिले के सभी कोचिंग और होटलों की जाँच पड़ताल की। अनंतनाग में आतंकी हमले में 5 जवानों की मौत, तो वहीं एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। एक आतंकी भागने में सफल हो गया। मामले पर रक्षा विशेषज्ञ हेमंत महाजन और पीके सहगल ने दी राय।
चक्रवाती तूफान वायु गुजरात के तट से टकराएगा। गुजरात के पोरबंदर में समुद्र के जल स्तर में इजाफा हुआ है, जिससे समुद्र तट पर बसे मछुआरों को गांव में समुद्र का पानी भर गया है। चक्रवाती तूफान वायु गुजरात सहित कई राज्यों के तट से टकराएगा। ऐसे में कई सामाजिक ग्रुप तूफान से तबाह होने वाले लोगों के साथ, जो लोग बेघर हो जाएंगे उनके भोजन की आपूर्ति के लिए अभी से तैयारियों में जुटे हैं और खाने के सामान की पैकिंग कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली मेट्रो और बसों में महिलाओं के लिए फ्री सेवा का ऐलान किया था, जिसके बाद अब सीएम केजरीवाल को डीएमआरसी के जरिए इस योजना को अमल में लाने के सुझावों पर दो प्रपोजल मिले हैं, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने विस्तार से जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला कर दिया। बस स्टैंड के पास हुए इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। एनकाउंटर में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग में बाइक सवार 2 नकाबपोश आतंकी आए और सीआरपीएफ के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सीआरपीएफ के कई जवान घायल हो गए, साथ ही राज्य पुलिस बल का एक एसएचओ भी घायल बताया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के किसान गौ माताओं को कुंड बनाकर पानी पिला रहा है। किसान अरुण पाटिल का कहना है कि फसल अगले साल भी आ जाएगी, लेकिन गौ माता नहीं। मध्य प्रदेश के कटनी जिला अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। यहां जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक मरीज को एक्सपायरी डेट की ड्रिप लगा दी गई, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते मरीज के साथी की नजर उस पर पड़ गई। तो वही मामले का पता चलते ही तत्काल इसकी सूचना नर्सिंग स्टाफ को दी गई, पर नर्सिंग स्टाफ ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भूल सुधार ली, वरना मरीज के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता था। कौसाम्बी में विधवा नौकरानी के साथ मालिक ने दुष्कर्म किया, तो वहीं इंस्पेक्टर ने समझौते के लिए पीड़िता पर दबाव बनाया। न्याय के लिए पीड़िता अब पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है। पुलिस ने देहरादून शहर के ऐसे बच्चों को एकत्रित करते हुए उन्हें खुद शिक्षित करने पर जोर दे दिया है, जहां साथ ही रोजगार मुहैया करवाने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जा रहा है। नगरपालिका की ओर से पुनर्सीमांकन कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। नगरपालिका के 45 वार्ड होने से विकास कार्य की ओर ज्यादा पंख लगेंगे। वर्तमान में नगरपालिका में 14,000 मकान। वन विभाग में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई से अवैध खनन परिवहन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग के वन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टरों का पीछा किया और 1 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना चित्रकूट के सेक्टर 6 की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते दोस्तों ने युवक की हत्या की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के सीकर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 50 लाख की शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को आतंकियों द्वारा घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया गया। इसमें हरियाणा के एएसआई रमेश कुमार शहीद हो गए। बता दें कि इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 एएसआई और 3 कांस्टेबल शहीद हुए। आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने एक हमलावर आतंकी को मार गिराया। घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने ली है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अनंतनाग के व्यस्ततम खन्ना बल पहलगाम रोड पर 2 आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के एक गश्ती दल पर ऑटोमेटिक राइफल से हमला कर दिया, उसके बाद ग्रेनेड दागे। आतंकवादियों में से एक को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, तो वहीं दूसरा भागने में कामयाब रहा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में मारे गए शहीद हुए 5 जवानों में झज्जर के गांव खेड़ी जटका रमेश भी शहीदों की सूची में शामिल है। बिहार के मुजफ्फरपुर सहित कुल 5 जिलों में मस्तिष्क ज्वर समेत अन्य अज्ञात बीमारी से अब तक 36 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 135 बच्चों का कई अस्पतालों में इलाज जारी है।
सूरत अग्निकांड के बाद हरकत में आई महोबा अग्निशमन विभाग की टीम ने जिले की सभी कोचिंग और होटलों की जांच पड़ताल की, जिसमें 80% कोचिंग सेंटर और होटलों में फायर फाइटिंग सिस्टम का इंतजाम नहीं था। किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने मुख्यालय में पहुंचकर जिलाधिकारी से लेकर सभी कार्यालयों का घेराव किया, तो वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी दिया। किसानों का कहना है कि न हमें अपनी खेतों में फसलों के लिए पानी मिलता है और न ही समय पर बिजली मिलती है, तो वहीं समस्याओं को लेकर गोलमोल बातें होती रहती हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान है। एक युवक ने मामूली विवाद को लेकर अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। हत्या के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। किराए के पैसे मांगने पर चार खाकीदारियों ने विकलांग ऑटो चालक की पिटाई कर दी, बाद में ऑटो चालक धरने पर बैठ गया, साथ में स्थानीय लोगों ने भी उसके पक्ष में सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर नगर कोतवाल धर्मेंद्र रघुवंशी मौके पर पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। झालावाड़ के मनोहर थाना पुलिस ने सागवान तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो सागवान तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 132 सिलियां सागवान की लकड़ी बरामद हुई, तो वहीं जब्त की गई लकड़ी जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश सीमा की ओर से एक सागवान की लकड़ियों से भरा मिनी ट्रक मनोहर थाने की ओर आ रहा था, जिस पर यह कार्रवाई की गई। रोडवेज बस और बाइक में भ्रंत हो गई, इस हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई, तो वहीं मौके से रोडवेज बस और बाइक को भी जब्त कर लिया गया। बागपत के बांदोली गांव में पुलिस की थर्ड डिग्री से आहत होकर किसान ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, हालांकि समय रहते किसान को बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नगर निगम धर्मशाला की सुधेड़ स्थित डंपिंग साइट में दो दिन पहले लगी आग बुधवार को भी पूरी तरह शांत नहीं हुई, इसके कारण धर्मशाला धुएं के आगोश में आ गया। इसके साथ ही कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में लगी जंगल की आग भी इसका कारण माना जा रही है। डंपिंग साइट से निकल रहा जहरीला धुएं से लोगों का सांस लेना दुभर हो गया है। हालांकि बुधवार सुबह धर्मशाला में बारिश भी हुई, तो वहीं कांगड़ा के उपायुक्त ने वन विभाग को आग पर जल्द नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। पानी की कमी के चलते मुरझाई फसलें, तो वहीं किसानों ने गायों के लिए कुंड में डाला पानी। कटनी जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही, मरीज की जान पर भारी पड़ गई। दरअसल नर्सिंग कर्मियों ने आनन फानन में मरीज को आउटडेटेड मेडिसिन लगा दी। गरीब के इलाज के लिए सरकार एक ओर आयुष्मान भारत जैसी योजना चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहां इलाज को दूर मरीज के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। महराजगंज जिले का ठूठी बारी थाना एक बार फिर चर्चा में आया है, जहां एक नाबालिग से छेड़छाड़ का वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक नाबालिग के साथ एक नाबालिग लड़का छेड़छाड़ कर रहा है। साल 2015 में 4 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म मामले पर कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने मासूम से दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी। आरोपी को 376 के तहत फांसी की सजा दी गई। आंध्र प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन गुरुवार सुबह 9 बजे शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर सवंगी चिन वेंकट नायडू ने कांग्रेस गोपी रेड्डी श्रीनिवास को शपथ दिलाई, बाद में सदन की कार्रवाई 3 मिनट स्थगित हुई। यूपी में बार काउंसिल के अध्यक्ष दरवेश यादव की गोली मारकर हत्या के बाद से जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं भाजपा सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक परिजनों से मिलने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को हुए आतंकी मुठभेड़ में मध्य प्रदेश के देवास का भी एक जवान शहीद हुआ। शहीद संदीप यादव सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में तैनात थे। गुजरात पर अभी भी चक्रवात वायु का खतरा टला नहीं है। अगले 24 घंटे राज्य के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। गुजरात के तटीय क्षेत्र में अभी तेज हवाएं चल रही हैं। इस बीच समंदर भी अपना विकराल रूप ले चुका है।
कोलकाता के सरकारी एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सोमवार की रात एक मृत मरीज के परिजनों ने दो जूनियर डॉक्टरों की पिटाई कर दी थी। इसके विरोध में राज्य भर के डॉक्टरों ने हड़ताल कर सभी अस्पतालों में ओपीडी में कामकाज बंद कर दिया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं खबरों की तरफ रफ्तार के साथ। प्रियंका चोपड़ा अपने जबरदस्त डांस और बेहतरीन लुक्स से इंप्रेस करती हैं। अब उनका एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी ही फिल्म दिल धड़कने दो के गाने गल्ला गुड़िया पर डांस कर रही है। वीडियो में प्रियंका एंजॉय करती दिख रही है। बाहुबली एक्टर प्रभास की मच अपडेट फिल्म साहू का टीजर हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया है। पावर पैक्ड एक्शन फिल्म साहू में प्रभास के साथ श्रद्धा कपूर की जोड़ी बनी है। दबंग सीन से बाहर हुई मोनी राय, भाईजान एक्ट्रेस वरीना हुसैन के साथ आइटम नंबर करते दिखाई देंगे। गाने में एक्ट्रेस वरीना हुसैन इंडो वेस्टर्न आउटफिट में नजर आएंगे। सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सलमान कथित गर्लफ्रेंड जूलिया वंतूर और मलाइका अरोड़ा अरवाज खान के बेटे अरहान के साथ साइकिल राइड करते दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान के साथ साथ रोहित शेट्टी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी और सलमान खान की एक तस्वीर शेयर की और बताया कि दोनों एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। अलहिमा करण जौहर ने अपने घर जन्मदिन की पार्टी रखी। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई जाने माने सितारे शामिल हुए। भारत फैमिलीज के सम्मान में सलमान खान ने रखी स्पेशल स्क्रीनिंग। आपको बता दें कि भारत फैमिलीज ने के विभाजन का दुख झेला था। तो मिल गया फेम हंसिका मोटवानी ने फोटो शूट करवाया जिसमें वे काफी बोल्ड नजर आ रही हैं। इस फोटोशूट के दौरान हंसिका ने कई पोज भी दिए।